राधे राधे सबको। आज हम बैसाख माह की कथा सुनेंगे। छोटी सी कथा है तो बने रहिए कथा में अंत तक। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी पत्नी का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही ज्यादा ध्यान देती थी, किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिनों के बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला को पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती है कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे को लड़की हुई। मैंने कोई उपवास व्रत या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी मैंने पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी, उसकी बेटी का बाल भी बाका नहीं हुआ। वह सकुशल कुएं से बाहर निकल गई।